फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल भगत सिंह। दोस्तों, जैसा कि एक कीबोर्ड मेरे एक फ्रेंड ने मंगवाया, गेमिंग कीबोर्ड है पूरा, तो पूरा लाइटिंग सेट आता है और इस कीबोर्ड के साथ एक माउस जो एकदम मस्त मॉन्स्टर टाइप पूरा माउस इसके साथ आया है। वो उसने गेमिंग के लिए मंगाया था, इसके एक कीबोर्ड उसके पास था वो ख़राब हो गया और उसके हिसाब से इसने कुछ अलग सा मंगवाया जो ऑनलाइन परचेस किया है। काफ़ी मज़ेदार, इसमें भी लाइटिंग है, इसमें भी पूरे में ही एकदम पूरे में लाइटिंग सेट मिलेगा आपको देखने के लिए, तो वो काफ़ी मज़ेदार रहेगा। और एक वायर है, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे कि पहले जो वायर आते थे वो इस टाइप के आप देख सकते हैं, ऐसे वायर हैं, तो वायर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये एक वायर ज़्यादातर खींच नहीं सकते, ये वायर थोड़ा प्रॉब्लम इशू क्रिएट करते, कहीं से निकल जाता है, लेकिन ये वायर काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। दोनों में इस टाइप के वायर हैं और ये कीबोर्ड का है आप देख सकते हैं, तो वो माउस का, ये पूरा सेट आया दोनों, जो गेमिंग सेट के लिए उसने मंगवाया था कि गेम खेलूँगा तब मेरे यूज़ हो जाएगा, और काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है। और बैक साइड में कुछ इस टाइप जेब्रोनिक, जेब्रोनिक के वही हैं जो दोस्तों मैंने ये हेली जो आप पीसी मंगवाई थी, मैंने जेब्रोनिक की यही मंगवाई थी, और कीबोर्ड काफ़ी मज़ेदार है यहाँ से। ओके, तो ये बड़ा छोटा कर सकते हैं, जेब्रोनिक प्रीमियम टू गेमिंग कीबोर्ड है पूरा, आप यहाँ बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ जेब्रोनिक प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड और ZeBee ट्रांसफॉर्मर, तो DC 5 वोल्ट 200 mAh का है दोस्तों, फॉर होम एंड ऑफिस यूज़, तो दोनों टाइप यूज़ हो सकते हैं, फॉर होम एंड ऑफिस यूज़, तो ये इस टाइप का कुछ है। और इस टाइप का जैसे कि मैंने अभी इसको गेमिंग टाइप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी लाइटिंग कुछ बताता हूँ, यहाँ पे ये फंक्शन दो एक्स्ट्रा FN और ये एक दो फंक्शन है जो इसमें, जो मेरे वाले कीबोर्ड में भी नहीं है, वो मैं आपको अभी यहाँ से इसको पहले इधर साइड में रख देता हूँ। जो मेरे वाले फंक्शन में, मेरे वाले जो कीबोर्ड है, मेरा भी गेमिंग जैसे लेकिन ठीक ठाक है, लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार और आवाज़ में काफ़ी फ़र्क है दोनों में। और ये सेट जो यहाँ पे कीबोर्ड ये की एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जाके कंट्रोल के पास में ही की होनी चाहिए, लाइटिंग की है दोनों, जो अलग अलग तरह की लाइट यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एक और प्रेस सेटिंग काफ़ी मस्त है, तो ये एरो प्रेस का है, जो अंदर जो एरो बताएगा वो कीबोर्ड में, तो वो उस टाइप का की का जो एरो वो बताता है वो PC में, वो तो जो स्लो और फास्ट करने में मूवमेंट का ये दिया गया है दोस्तों। नहीं दोस्तों, बैक या अंदर वापस जाने के लिए डायरेक्ट कटआउट कर सकते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों। तो ये यहाँ पे और सॉफ्ट शेडिंग काफ़ी मस्त, थोड़ा सा भी मैं क्लिक करो तो काफ़ी मस्त एकदम सॉफ्ट क्लिक हो रहा है, तो वो ये दोस्तों काफ़ी मज़ा। ये भी जेब्रोनिक प्रीमियम गेमिंग माउस है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर DC 5 वोल्ट 100 mA का है दोस्तों, तो ये मज़ेदार सी बात है, दोनों काफ़ी अच्छे। और जैसा कि अमेजोन पे से मंगवाए हैं, क्या प्राइस रहेगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको थोड़ा कनेक्ट करके इसकी लाइटिंग देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी सेटअप किया है, वापस मैंने मेरे कंप्यूटर से ज्वाइन किया, तो पूरा लाइटिंग सेट इस टाइप का लग रहा है और यहाँ से लाइटिंग चेंज हो जाती है कहीं पे भी, जैसा कि मैंने कहा था ये एक्स्ट्रा जो स्विच दिया गया है, दो स्विच, ये लाइटिंग चेंज करने के लिए है, तो काफ़ी मज़ेदार से लाइट है, गेम खेलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आ रही है, बंद हो गई। और ये नॉर्मल शेड में, ये नॉर्मल शेड जो यहाँ पे F1 जो यहाँ पे दिया गया वो नॉर्मल शेड का है, तो यहाँ पे एक साइड ब्लू और कलर चेंजिंग भी कर सकते हैं। माउस का भी यही हाल है, इसी टाइप का है, इसमें ऑटोमेटिकली सब पूरे लाइटिंग वाइटिंग जो मॉन्स्टर टाइप दिख रहा है, काफ़ी मज़ेदार से ग्रीन लाइट, तो लुक वाइज काफ़ी मज़ेदार लगा दोस्तों, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा, ब्लू शेड और ग्रीन लाइट काफ़ी एकदम अट्रैक्टिव लगा, और कलर शेड जैसे कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये कलर मैंने चेंज कर दिए, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ये बंद हो गया, अगर नहीं रखना चाहते तो बंद भी हो सकता है, यही की है। और एक ही दोनों दबा के इसको प्रेस करेंगे तो आप एक ही रहेगा, लेकिन अगर चेंज करना तो इस टाइप का चेंज हो जाएगा, और इसमें ये बंद, ये अलग, और ये काफ़ी मज़ेदार से लग रहा है दोस्तों, तो लाइटिंग काफ़ी मज़ेदार और ज़ोरदार था। ब्लू सेट का पूरा इस साइड कॉन्सेप्ट और यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, तो ये कॉन्सेप्ट पहला ये है, दूसरा जो येलो स्काई ब्लू और पर्पल का ये सेटिंग लाइट पर्पल सेट है, तो थर्ड कॉम्बिनेशन में बंद हो जाएगा, तो दो कॉम्बिनेशन इसके ग्रीन रेड और ब्लू इस तरफ चला गया, ब्लू पहले इस साइड था, तो माउस में भी आप देख सकते थे दोस्तों, माउस में भी इसी टाइप का कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी एक काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है, माउस में पूरा मॉन्स्टर टाइप लग रहा है, जेड यहाँ पे जेड का ये सिंबल जेब्रोनिक काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, साइड स्विच है अलग अलग टाइप के, प्रेस कंट्रोल काफ़ी मज़ेदार है, और ये जैसा कि कहा था चेंजेस के लिए है, तो काफ़ी मज़ेदार, और काफ़ी मज़ेदार और अच्छा लगा दोस्तों, आपको एक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।
दोस्तों मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये अमेजोन पे से और ऑनलाइन ऑर्डर किया था, दोनों साथ में ही आए थे, तो इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस रहेगी 1299 रुपीज़, 1300 रुपये में, काफ़ी मस्त दोनों। और गेमिंग कीबोर्ड तो थोड़ा जेब्रोनी का है तो थोड़ा महंगा लगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी है जेब्रोनी का कीबोर्ड, काफ़ी मज़ेदार रहता है। और जैसा कि मैंने मॉनिटर करना है, काफ़ी मज़ेदार है मॉनिटर भी, अभी भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। आपको एक ऐसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाएगा।